बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज था वीकेंड का वार जो कि वाकई बेहद ही धमाकेदार रहा। बड़े ही इंटरेस्टिंग टास्क, बेहद ही रोमांटिक चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की गई थी घर वालों के साथ, जैसे कि माहिरा और सिद्धार्थ शुक्ला का पैचअप, और भी ऐसी कई और रोमांचक चीजें हुई जो आज के एपिसोड को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की हाइलाइट्स। तो घर वालों को बिग बॉस ने एक टास्क दिया, उन्हें कुछ नाम दिए गए टैग्स के साथ और घर वालों को अपनी आपसी सहमति के साथ, अपने एक वैलिड रीजन के साथ उन घर वालों को वो टैग देना था। तो इस दौरान हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा शर्मा का पैचअप। दरअसल यहाँ पर बात हो रही थी कि घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है, और फिर माहिरा शर्मा कहती है कि मुझे देवोलीना भट्टाचार्य ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। माहिरा ये कहती हुई नजर आती है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करती है। इसी दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और देवोलीना भट्टाचार्य का वो लव एंगल आगे की तरफ बढ़ता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं इसी दौरान घर वालों के बीच में बहुत ही ज्यादा कहासुनी हो जाती है, जैसे कि शेफाली और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच में, क्योंकि देवोलीना भट्टाचार्य कहती हैं कि शेफाली दिशाहीन है और वो इस बात से इनकार करती है और आर्ग्यूमेंट हो जाती है इनके बीच में। माहिरा और शेफाली के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि शेफाली कहती है कि मैं अगर बायस्ड होती तो मैं आपको सजा देती, लेकिन मैंने आपको सजा नहीं दी। इस तरीके से विशाल और हिंदुस्तानी भाव के बीच में तो फिजिकल फाइट हो जाती है। बीच में बिग बॉस भी कूद पड़ते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर करते हुए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव के लिए विशाल कहते हैं कि वो बाल बच्चन हैं। और ये चीज इस तरीके से मोल्ड हो जाती है कि उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है और विशाल कहते हैं कि मैं आपका टारगेट हूं, तो चलिए कर लेते हैं जो करना है आपको, और भाव भी कहते हैं कि चल कर ही लेते हैं 1-to-1, और बहुत ही ज्यादा माहौल खराब हो जाता है और उन्हें बिग बॉस की भयंकर वाली डांट भी पड़ती है। इसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है और सलमान खान छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी फिल्म दबंग के गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं और बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। सलमान खान घर वालों के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं, तो वही साथ ही में सलमान खान घर वालों को डांट फटकार लगाते हुए नजर आए, तो वही उन्हें कुछ एडवाइस भी दी। जैसे कि टास्क के बाद घर वालों को जो टैग दिए गए थे उनके बेसिस पे सलमान खान ने हिसारी को कहा कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खेलिए, अपने लिए बातें कीजिए, टास्क में परफॉर्म कीजिए। आपने कैप्टन से टास्क में परफॉर्म नहीं किया, दैट वॉज नॉट गुड। जैसे कि रश्मि देसाई को स्लो मोशन का टैग दिया गया, उस पर सलमान ने कहा कि आपको अब क्या हो गया, दोबारा आने का फायदा क्या हुआ, जब आप खुद के लिए खेल नहीं रही हैं, टास्क में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, टास्क में अपना 100% नहीं दे रही हैं, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी तरह से भाव के ऊपर उनके फाट को लेकर वो बात करते हुए नजर आते हैं कि भाव ये क्या किया, और माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। इसके अलावा कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आता है रश्मि देसाई के लिए और वो उनसे सवाल करती है कि आप स्क्रीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि इस हफ्ते आपने सिद्धार्थ शुक्ला से पंगा नहीं लिया, उनको टारगेट नहीं किया, तो आप स्क्रीन पर दिखाई नहीं दी, या फिर ऐसा है कि आप अगर सिद्धार्थ शुक्ला से पंगा नहीं लेंगी तो आप स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगी। रश्मि उनके सवाल का बेहद ही खूबसूरती से जवाब देती हैं। इसके अलावा इस हफ्ते घर वालों के लिए कुछ उनके फैंस के वीडियो मैसेज थे, इसमें रश्मि देसाई के लिए भी एक मैसेज था और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से उस मैसेज को लिया। और इसके अलावा खेसारी लाल यादव और हिमांशु खुराना के लिए भी एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उनके फैंस ने उन्हें उनके गेम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश किया। इसके अलावा सलमान खान घर वालों के लिए फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आए, जिनमें था एक थप्पड़ टास्क। यहाँ पर उन्होंने शेफाली जरीवाला, हिंदुस्तानी भाव और पारस छाबरा को थप्पड़ टास्क के लिए चुना और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं और घर वालों की सहमति नहीं होती है तो उन्हें थप्पड़ पड़ते हैं। और इस तरह से बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और ड्रामे से भरपूर रहा, और साथ ही कई अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली जो दर्शकों का शो में इंटरेस्ट और बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 के सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए एक और दिन की हाईलाइट और साथ ही वीकेंड का वार के सैटरडे एपिसोड की हाईलाइट।